आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही एक हेल्दी रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने ले लिया आलू, तो एक प्याज, थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ा सा नमक, यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा चाट मसाला, और मैंने यहाँ पे आमचूर पाउडर ले लिया है। उसके ऊपर से मैं डाल दूंगी थोड़ा सा यहाँ पे ना डोमिनोज में जो चिली फ्लेक्स मिलता है ना वो डाल दूंगी, एंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऑरिगेनो डाल दूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर नहीं है ऑरिगेनोज तो आप स्किप। वैसे बहुत लोग है ना जो हाथों से मिक्स नहीं करते हैं, गिनाते हैं, चम्मच से करते हैं, अच्छी बात है, बट यू नो हम इंडियन थोड़ा सा हाथों से जो हम लोग काम कमाल कर सकते हैं ना वो चम्मच या किसी स्मैशर से नहीं होता है। तो एनीवे मैंने यहाँ पे ले लिया है 3 white bread, एंड यहाँ पे मैं बीच में से ना काट दूंगी ट्रायंगल शेप में। वैसे गाइस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ आपका शहर का नेम या गांव का नेम, आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हो, ताकि मुझे भी पता चला कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ पहुँच रहा है। ओके, तो यहाँ पे ना मैंने ले लिया है थोड़ा सा टमाटर का सॉस। अगर आपके पास ग्रीन चटनी है ना तो आप ग्रीन चटनी भी लगा सकते हो, बट मेरे पास भाई ग्रीन चटनी नहीं है तो मैंने टमाटर का सॉस से काम चला लिया। और जो आलू मिक्स करके मैंने रखा था वो आलू मैं इसमें अच्छे से दोनों तरफ स्प्रेड कर दूंगी। वैसे तो आप एक तरफ स्प्रेड कर सकते हो, बट मुझे जो अपना ब्रेकफास्ट है ना थोड़ा सा हेवी बनाना है, इसलिए मैंने दोनों तरफ यहाँ पे आलू का जो मिक्सचर है स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद इसे बस हम इसे ज्वाइन कर देंगे, एंड थोड़ा सा बटर या घी लेंगे और तवे पे दोनों तरफ अच्छे से हम इसे सेक लेंगे। दोनों तरफ अच्छे से सब सेक जाए, थोड़ा सा ब्राउनिश आ जाए, आप इसे चटनी के साथ या फिर गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करो। हमारा सैंडविच एकदम रेडी टू सर्व है, इसे जरूर एक बार ट्राई जरूर करना, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और जितना हो सके शेयर कर देना। मिलती हूँ अगली वीडियो पे, नमस्कार।